कोरोना काल के बाद से जब से मंडी शुरू हुई है ट्राली वाली व्यवस्था चल रही है। इसके पहले ढेरों की व्यवस्था थी, उसमें सबको पता है कितनी परेशानियां थी, किस तरीके से यहाँ किसानों से तुलाई के वक्त और लोडिंग के वक्त कितना एक्स्ट्रा पैसा वसूला जाता था, कितने किसानों के मालों की चोरी होती, ये सारे जहां में सबको पता है जब से कि कितने माल की चोरी होती थी। और इस व्यवस्था को बंद करने के लिए पहले किसान मंडी प्रशासन सबने कोशिश की थी कि ढेर की व्यवस्था बंद की जाए, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई। ये तो प्रकृति ने, कोरोना ने खुद अपने आप करवा दी। आज की तारीख में लेवाल और बेचवाल, किसान और व्यापारी दोनों इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट है। किसान के माल का चूरा नहीं होता है, अपनी ट्रॉली में माल ला के बेच रहा है, अपना माल लेकर वो गोदाम पे व्यापारी के जा रहा है, वहाँ उसका व्यवस्थित तोल हो रहा है, उसको वहीं का वहीं भुगतान मिल रहा है, किसान अपने घर जा रहा है। पहले यहाँ पे सुबह किसान आता था, दिन भर ढेर पड़ा रहता था, बिकता था, कब तुलता था उसको भी पता नहीं होता था, और वो एक एक दिन दो दो दिन यहाँ पेंडिंग रहता था। अभी 15,000 बोरी लहसुन हम 3 बजे तक बेच देते हैं, पहले हम 8,000 बोरी लहसुन शाम को 5 बजे तक नहीं बेच पाते थे। इस व्यवस्था से सबको फायदा और किसान का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। और आज की तारीख में जो एक छोटे किसानों की समस्या है, 4 बोरी 5 बोरी वाले, उनको यहाँ जो लोकल टेम्पो करना पड़ रहा है वो 500 रुपये ले रहे हैं, 200 रुपये 400 रुपये ले रहे हैं। उसके लिए व्यापारियों ने एक रास्ता निकाला है, 5 बोरी से कम का ढेर हम नीचे ऑक्शन करेंगे, उसको हम खरीदेंगे और हम उसको खुद अपने हिसाब से उठाएंगे, किसान का उसमें एक पैसा भी नहीं लगेगा। ये व्यवस्था भी हम करने के लिए हमने तैयार किया है। बड़े किसान अपनी ट्रॉली में माल लेके आ रहा है, उसका माल बिकेगा गोडाउन जाके तुलेगा, कोई समस्या नहीं आ रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप किसानों के भी इंटरव्यू ले, 10-20 किसानों से आप पूछोगे जो ओरिजिनल किसान है, भाड़े वाले नहीं, उनसे पूछोगे पता लग जाएगा। अभी आप नहीं, नीचे मतलब छोटा ढेर होगा तो नीचे सही होगा, बाकी बड़ा ढेर होगा ट्राली में होगा तो वो सही रहेगा। टाइम में इसमें सही है, जैसे ट्राली में सही है, ट्राली में सही है। हाँ, खुला माल बिका हुआ है, क्या हुआ अभी? माल बिके नहीं है, जैसे नुकसान कर दिया, छिले छिले गए, इसका पैसा कौन देगा? व्यापारी देगा, कौन देगा? वो अच्छा तो हमारे तो बिका ही नहीं माल, क्या अब क्या है? अरे बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए, कैसे बिकना चाहिए? ट्राली में बिकना चाहिए, ट्राली में बिकना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ।